हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर के बेर के बारे में। इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं, इसकी फैमिली ओरिजिन और जो भी बोटनिकल नेम है, इसका ये क्लासिफिकेशन है, उस सारे जो भी बेर के बारे में जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं उसके बारे में आज बात करने वाले हैं। तो बोटनिकल नेम क्या है इसका? जीजीपस मोर्सियाना इसका बोटनिकल नेम है। क्या नाम है? जीजीपस मोरिशियाना, मोरिशियाना इसका बोटनिकल नेम है। अब बात करते हैं फैमिली की। फैमिली है रेमिनिसी, रेमिनिसिस की फैमिली इसका कुल है। और ओरिजिन की बात करते हैं तो ओरिजिन इसका इंडो चाइना, इसका ओरिजिन क्या है? इंडो चाइना है। अब बात करते हैं क्रोमोजोम नंबर की। इसमें क्रोमोजोम नंबर कितने होते हैं? 48 होते हैं। ये चतुर्थ गुणित फसल है, चतुर्थ गुणित फसल है। कॉमन नेम क्या क्या है इसका? कॉमन नेम है गरीबों का सेब, गरीबों का सेब। और क्या है कॉमन नेम इसका? शुष्क फलों का राजा, शुष्क फलों का राजा। और दोस्तों जी, आपके पास फलों का राजा पूछ ले तो आम आएगा, और शुष्क फलों का राजा पूछ ले तो बेर आएगा, और एक है चाइनीज डेथ, इसके कॉमन नेम है। अब बात कर लेते हैं इसके टाइप ऑफ फ्रूट, ये फल का प्रकार है वो कौन सा है? इसका है ड्रुप, ड्रुप है या अस्टिल हिंदी में बोले तो। इडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट क्या है? खाने वाला भाग को क्या बोलते हैं? इसके वो पेरिकार्प, या बाह्य व मध्य फलभित्ति, मध्य फलभित्ति। अब बात करते हैं इसके पुष्पक्रम के बारे में। पुष्पक्रम को क्या बोलते हैं? वेसिकल, क्या बोलते हैं? वेसिकल। विटामिन की बात करते हैं। विटामिन इसमें कौन कौन सी विटामिन पाए जाते हैं? इसमें मेनली विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, वो कितनी पाई जाती है? 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम, 150 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम पाई जाती है। और कौन सी विटामिन पाई जाती है इसमें? और विटामिन पाई जाती है ए व बी भी इसमें विटामिन पाई जाती है। अब बात करते हैं इसके क्लाइमेट के बारे में। क्लाइमेट कौन सा पाई जाती है इसमें? जलवायु कौन सी इसके लिए अच्छी होती है? शुष्क व अर्ध शुष्क, शुष्क व अर्ध शुष्क जलवायु इसके लिए अच्छी मानी गई है। और ये एक नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, यह है नॉन क्लाई मैट्रिक फल है। ये तो आपको पता होगा क्लाइमेट्रिक फल और नॉन क्लाइमेट्रिक फल क्या होते हैं। वे फल जो तोड़ने के पश्चात नहीं पकाए जाते वो नॉन क्लाइमेट्रिक फल है, और जो क्लाइमेट्रिक फल है जिनको तोड़ने के पश्चात अपन पका सकते हैं वो क्लाइमेट्रिक फल होते हैं। अब बात करते हैं इसके जो सोइल है, इसमें सोइल कौन सी सोइल सबसे उपयुक्त रहती है? सोइल इसके लिए बलुई दोमट मृदा जो सबसे अच्छी मानी गई है, बलुई दोमट मृदा इसके लिए अच्छी मानी गई है। इसमें ये क्षारीय और लवणीय मृदा में भी हो सकता है, ये लवणीय और क्षारीय मृदा में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके लिए पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है। अब बात करते हैं रो इनटू प्लांट की स्पेसिंग के बारे में। रो इनटू प्लांट की स्पेसिंग के बारे में कितनी होनी चाहिए? इसके 6 × 8 मीटर होनी चाहिए। रो का मतलब रो, आर का मतलब रो, और पी का मतलब प्लांट, रो और प्लांट। ये तो रो हो गई और ये प्लांट हो गया, ये रो प्लांट, रो और प्लांट के मध्य की दूरी। अब बात करते हैं इसके प्रोपोगेशन के बारे में। जो प्रवर्धन है वो
कितना किसके द्वारा होता है? इसके प्रवर्धन होता है टी कलिकाएन या टी बडिंग भी बोल सकते हैं इसको, या रिंग बडिंग भी, या रिंग बडिंग, रिंग के द्वारा इसमें, रिंग बडिंग के द्वारा इसमें प्रोपोगेशन होता है, प्रोपोगेशन होता है। अब बात करते हैं इसमें प्रूनिंग के, प्रूनिंग कब की होती है? इसमें जो कटाई छटाई होती है वो कौन से महीने में की जाती है? अप्रैल व मई माह में इसकी प्रूनिंग की जाती है। अब बात करते हैं अपन स्टोरेज के बारे में। स्टोरेज के लिए अपन को कितने डिग्री टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर अपन को इस फल को स्टोर कर सकते हैं? 0 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर, जिसमें 85 से 90% आर्द्रता होनी चाहिए, वहाँ पे इस बेर के फल को स्टोर किया जा सकता है लंबे समय के लिए। और दोस्तों अदर टेम्परेचर की बात करें अपन, तो इसके लिए टेम्परेचर 35 से 45 डिग्री उपयुक्त रहता है फसल की बढ़वार के लिए तापमान, ये एक बात ध्यान रखना। अब बात करते हैं इसके यील्ड के बारे में, जो इसका उत्पादन है वो कितना होता है एक फल से? 100 से 200 kg फल प्रति पौधा प्राप्त होता है। वो किस कंडीशन में प्राप्त होता है? जब अपने पास सिंचाई के स्रोत होते हैं, जब अपने को 100 से 200 kg फल प्रति 100 से 200 kg प्रति पौधा प्राप्त होते हैं फल। और यदि अपने पास ओनली वर्षा आधारित होती है खेती करनी होती है, तो उसमें आप अपने को 40 से 50 kg फल प्रति प्लांट से प्राप्त होते हैं। और दोस्तों यदि अपन भारत में, विश्व में बात करें उत्पादन की, विश्व में उत्पादन की बात करते हैं, तो प्रथम कौन सा है? भारत। और भारत में बात करते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा उत्पादन किसका होता है? वो होता है मध्य प्रदेश। और यदि दोस्तों अपन राजस्थान में बात करते हैं, राजस्थान में उत्पादन कौन से डिस्ट्रिक्ट में होता है? वो होता है जयपुर में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। अब बात कर लेते हैं इसके वेराइटीज के बारे में, इसमें कौन कौन सी वेराइटीज है, इसमें वेराइटीज कौन कौन सी है? इसमें 3 प्रकार से वेराइटीज को अपन ने बांट रखा है, अगेती, मध्यम और पछेती। अर्ली वेराइटी, मीडियम वेराइटी और लेट वेराइटी, ये अलग अलग वेराइटीज है, उनकी ट्रिक में बता देता हूँ। GKTSC नाजुक, इसकी ट्रिक है। और मीडियम की बात करते हैं, मीडियम की JDBM, और पचेती की बात करते हैं तो GKETUMP, ये इनकी ट्रिक है। इनको मैं भी खोल के सारे बताता हूँ आपको, कौन कौन सी का, जी का क्या अर्थ होगा, के का अर्थ क्या होगा। वो एक बात कर लेते हैं, अगेती किसमें है? उनमें फल पककर कब तैयार हो जाते हैं? जनवरी के प्रथम सप्ताह में हम इसमें फल पककर तैयार हो जाते हैं अगेती में। मध्यम की बात करते हैं, तो मध्यम में कब फल पक के तैयार होते हैं? जनवरी के अंतिम सप्ताह में। अंतिम सप्ताह में इसके फल पककर तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं फचेती के बारे में। फचेती
किस्मों में फल कब बनकर तैयार होते हैं, फल कब तैयार हो जाते हैं पककर, जनवरी के अंतिम सप्ताह में व मार्च के प्रथम सप्ताह में। मार्च तक इसके फल पककर तैयार होते हैं 85 किस्मों में। अब बात करते हैं इसकी जो वेराइटीज है, गेती और मीडियम और लेट वेराइटीज के बारे में। तो मैंने ट्रिक बताई थी जी के एस टी सी नाजुक है। जी का क्या होगा यहाँ पे, गोवा। ये इसकी क्या विशेषता है, ये लवण प्रतिरोधी किस्म है। लवण प्रतिरोधी किस्म के की बात करते हैं, के का यहाँ पे क्या होगा, केथली, केथली होगा। केथली क्या है, केथल किस में पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है। तो ये हरियाणा के लिए फेमस किस्म है और वहाँ पे इसका उत्पादन 135 केजी प्रति प्लांट होता है और इसका फल का जो आकार होता है वो भी बड़ा होता है, 20 ग्राम प्रति फल का वजन होता है। एस की बात करते हैं, एस से होता है सेब। सेब है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एस सेब। ये अच्छी तरह से आप मोस्ट लगा कर लिख लेना इसको नोटबुक में, क्योंकि ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। ये मध्यम आकार की किस्म है। तीछे बात करते हैं, तीछे होता है थार, सेविका और थार भूराज। अब बात करते हैं सी से क्या होगा, सी से क्या होगा, चोमू, चोमू होगा और नाजुक इसकी वैरायटी है। अब बात करते हैं मध्यम किस्म वाले की, मध्यम किस्में, मध्यम किस्में कब पककर तैयार होती है, जनवरी के अंतिम सप्ताह में। के अंतिम सप्ताह में ये पककर तैयार हो जाती है। इसकी क्या ट्रिक थी, जे डी बी और एम, जेमिस जोगिया, जोगिया। इसकी क्या विशेषता है, ये ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट मानी गई है किस्म, ट्रांसपोर्ट के लिए बेस्ट है ये। डी से करते हैं अपन बात, तो डी से होगा डंठन और बी से बनारसी, बनारसी। बनारसी क्या विशेषता है, बनारसी विशेषता है ये इसमें 17% TSS पाया जाता है, अन्य किस्मों की तुलना में इसमें अधिक TSS पाया जाता है बेर की किस्मों में। और एम की बात करते हैं, एम का होता है महरून, महरून इसकी वैरायटी है, महरून। इसकी क्या विशेषता है महरून की, महरून की विशेषता है ये फल मक्खी के प्रति प्रतिरोधी है, ये फल मक्खी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, मक्खी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है। अब बात करते हैं अपन जो लेट वेराइटीज है उनके बारे में। लेट वेराइटीज है उनके बारे में बात करते हैं, उसकी ट्रिक क्या बताई थी मैंने, जी के ई टी। जी का क्या होगा यहाँ पे, गोमा कीर्ति, गोमा कीर्ति। के का क्या होगा, कत्था। ई का अर्थ क्या होगा, इलायची। इसमें कत्था जो वैरायटी है उसकी क्या विशेषता है, ये फल मक्खी के प्रति प्रतिरोधी किस्म है, ये फ्रूट फ्लाई है उसके प्रतिरोधी किस्म है, जो बेर का मुख्य कीट है फल मक्खी फ्रूट फ्लाई। और इलायची क्या विशेषता है, इलायची ये एक सीडलेस वैरायटी है जो त्रिगुणित है, ये सीडलेस वैरायटी है जो
गुणित किस्म है। ये भी आप ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप अच्छी तरह से इसको याद कर लेना, नोट लगा के इसको लिख लेना। ई इलायची किस्म बेर की है और ये सीडलेस वैरायटी है और ये त्रिगुणित है। टी से बात करते हैं, टी से होता है टिकड़ी, टिकड़ी। अब और नेक्स्ट वैरायटीज के बारे में बात करते हैं, यू एम पी। यू का क्या होगा, उमरान, इसे काठा भी बोलते हैं, काठा भी से बोलते हैं। महर वाली, महर, महर वाली। पीछे क्या होगा, पठानी। तो दोस्तों जो भी मेन मेन जो वैरायटी थी मैंने आपको बता दी है, और एक जो नई वैरायटी है उनके बारे में बात कर लेते हैं। जो नई वैरायटी है, नई किस्में हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। एक है अर्ली उमरान, अर्ली उमरान जो गुजरात में विकसित की गई है, ये गुजरात में विकसित की गई है। दूसरी कथा पाउल, ये वैरायटी भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये दोनों वैरायटी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो नई वैरायटीज हैं। अब बात करते हैं इसमें जो भी इंसेक्ट और रोग लगते हैं उनके बारे में, मोस्ट इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट जो भी रोग और इंसेक्ट है, डिजीज इंसेक्ट है उनके बारे में। पहले बात कर लेते हैं अपन डिजीज के बारे में, डिजीज कौन सी लगती है इसमें, मेनली पाउडरी मिल्ड्यू, पाउडरी मिल्ड्यू जिसे हिंदी में छाछा रोग भी बोलते हैं, छाछा रोग भी बोलते हैं। ये किसके कारण, किसकी कमी से होती है, ये फंगस की कमी से होती है। वो फंगस कौन सा होता है, फंगस कवक की कमी से होती है। वो किसकी, वो कौन सा होता है, ओडियम, ओडियम जुजुबी, जुजुबी, ओडियम जुजुबी है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, केराथेन का 2% का स्प्रे, केराथेन का 2% का स्प्रे करना चाहिए। अब बात करते हैं इसमें मेनली जो इंसेक्ट लगते हैं, इंसेक्ट कीट लगते हैं उनके बारे में। इसमें मेनली एक कीट है फ्रूट फ्लाई, फ्रूट फ्लाई जिसे फल मक्खी बोलते हैं, फल मक्खी बोलते हैं। उसमें मेनली नुकसान पहुंचाती है बहुत ज़्यादा। इसका साइंटिफिक नेम क्या है, कार्पोमिया वेस्यूवियाना, कार्पोमिया वेस्यूवियाना, कार्पोमिया वेस्यूवियाना इसका साइंटिफिक नेम है। इसके कंट्रोल के लिए क्या करना चाहिए, मेलाथियन का 0.5% का स्प्रे करना चाहिए, 0.5% का स्प्रे करना चाहिए।